आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। जिला का आतंक कहा जाने वाला दो कुख्यात एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। एसटीएफ की टीम ने भूषण यादव और अखिलेश यादव नाम के दो कुख्यात को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 50,000 का इनाम। पूर्णिया के रघुवंश नगर थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार कुख्यात के पास से 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस समेत एक मोटरसाइकिल भी बरामद है। गिरफ्तार अपराधियों पर कई हत्या के मामले भी दर्ज है। पुलिस कप्तान दयाशंकर ने प्रेस वार्ता कर संपूर्ण जानकारी दी। कल दिनांक 3/4/2021 को संध्या में सूचना प्राप्त हुई कि रघुवंश नगर ओपी अंतर्गत सिसवा गांव है, मौजूद पट्टी के अंतर्गत, वहां पर कुछ अपराधी तत्व के लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर SDPO धमदाहा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और STF की एक टीम थी। STF के टीम और हमारी SDPO धमदाहा के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी उसने संयुक्त रूप से छापेमारी की और सुसरा गांव के पास से 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम क्रमशः भूषण यादव एवं अखिलेश यादव है। इनके ऊपर कई तरह के संगीन आपराधिक मामले रघुवंश नगर बढ़हरा थाना के अंतर्गत दर्ज है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है और एक एक मोबाइल फ़ोन है जो हम लोगों ने जब्त किया है। अभी जनवरी में जो एक हत्याकांड अंजाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम थी हमारी लगातार काम कर रही थी और लीड मिलने पर STF के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिससे हमें यह सफलता। लगभग 15-20 वर्षों से आपसी वर्चस्व को लेकर वहाँ पर कई तरह की संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम इन लोगों के द्वारा दिया गया है। अभी जो जनवरी में घटना हुई थी उसमें भी इन लोग की संलिप्तता थी। पूर्व की जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं उसका डिटेल आप लोग को इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। इन पे इनाम भी था सर, इनके ऊपर 50,000 रुपये प्रत्येक पर 50,000 रुपये का इनाम मुख्यालय स्तर से किया गया।